दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसका हाथ और पैर दोनों ना हो? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, हाथ और पैर दोनों ना हो फिर भी वो पूरे दुनिया में फेमस है। आपके स्क्रीन पर एक इंसान का फोटो दिख रहा होगा, ये पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बना हुआ है। इस इंसान ने शादी भी किया है और इसके बच्चे भी हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस इंसान के बारे में पूरे डिटेल में बता देते हैं। इनका क्या नाम है, कहां पर रहते हैं और ये कैसे फेमस हुए और अपने लाइफ में ऐसा क्या किया कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो गए। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ही नहीं बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते फिरते हैं कि मेरे पास ये नहीं था वरना मैं ये हासिल कर लेता, मेरी तबीयत खराब रहती है वरना मैं आज करोड़पति बन जाता। पता नहीं ऐसे कितने बहाने ढूंढते रहेंगे, लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आप बहाने बनाना छोड़ देंगे। भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं काम करने के लिए, एक अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है। अब जरा सोचिए, अगर जन्म से ही आपके पास हाथ पैर नहीं हो तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आप अपनी किस्मत को दोष देने लगेंगे और अपनी जिंदगी से हार मान बैठेंगे। ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसके जन्म से ही हाथ पैर नहीं थे और फिर भी आज एक बहुत फेमस इंसान हो गया है। आपके स्क्रीन पर जो इंसान दिख रहा है इनका नाम है निक विजिकिक। इनका पूरा नाम निकोलस जेम्स विजिकिक है। इनका जन्म 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए निक दिखने में तो आम इंसान जैसे ही थे, लेकिन उनके में एक बीमारी थी जिस वजह से उनके पास हाथ पैर नहीं थे। डॉक्टर के लाख कोशिशों के बावजूद उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई और अब उन्हें पूरी उम्र बिना हाथ पैर के गुजारनी थी। जैसे जैसे निक बड़ा होने लगा वह चिड़चिड़ा रहने लगा क्योंकि वह लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल नहीं सकता था। इसी वजह से उसके कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन निक का भगवान में बहुत विश्वास था और उनके माता पिता ने भी निक का पूरा साथ दिया। आपको तो मालूम होगा जब इंसान को कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तब वह बस एक चीज के बारे में सोचता है कि अब जिंदगी को अलविदा कह देना चाहिए। और निक ने भी यही सोचकर 10 वर्ष की आयु में आत्महत्या करने की सोची, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बचा लिया और उसे प्रोत्साहित किया कि वह भी एक आम जिंदगी जी सकता है अगर संघर्ष करे तो। आपको बता दें निक के माता पिता चाहते थे कि वो आत्मनिर्भर हो जाए ताकि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। निक के पास हाथ पैर तो नहीं थे, लेकिन पैर के स्थान पर छोटी छोटी उंगलियां निकली हुई थी, वो आपस में जुड़ी हुई थी। डॉक्टर्स ने उसे अलग अलग कर दिया ताकि निक इसका इस्तेमाल अपने निजी कार्यों में ले सके, जैसे लिखना, कोई चीज पकड़ना आदि। निक की हजारों कोशिशों के बाद उसने कंप्यूटर पर टाइपिंग करना, फुटबॉल खेलना, यहाँ तक कि तैरना भी सीख लिया। आपको मालूम होगा एक आम इंसान हाथ पैर होने के बावजूद तैरना नहीं जानता, लेकिन निक सामान्य व्यक्ति की तरह तैरता था। सिर्फ इतना ही नहीं, निक अब ड्राइविंग करने लगा था, पेंटिंग करने लगा था, वह सारे काम जो हम और आप करते अब निक भी करने लगा था। एक बार निक के माता पिता ने उसे एक कहानी सुनाई जो एक निक की तरफ विकलांग व्यक्ति की मोटिवेशनल स्टोरी थी। कहानी सुनने के बाद निक को ये एहसास हुआ कि पूरे दुनिया में सिर्फ एक वही विकलांग नहीं है, उसके जैसे और भी बहुत से लोग हैं। निक को ये भी एहसास हुआ कि कुछ लोग तो हाथ पैर होते हुए भी विकलांग बने हुए हैं। बस फिर उसी दिन से निक का जिंदगी बदल गया। उन्होंने सोच लिया कि अब वह लोगों को मोटिवेट और इंस्पायर करने का काम करेगा। जो लोग अपनी जिंदगी में रास्ता भटक जाते हैं वह उन्हें सही रास्ते पर लाएगा। निक ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आज वो लाखों लोगों को अपनी कहानी से लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोगों को निक के लाइफस्टाइल से इंस्पायरेशन मिलती है।
निक एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। निक ने अब तय कर लिया था कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम करेंगे। उन्होंने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नामक अपनी खुद की एक कंपनी बनाई और लाइफ विथआउट लिम्ब नाम से गैर लाभकारी संगठन भी बनाया, जहां सामान्य व्यक्ति का दूसरे देश में जाना एक सपना होता है और वो सब सपना बनकर ही रह जाता है। वहीं दूसरी ओर निक अब तक 44 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात निक के लिए, 2012 में निक की शादी हो गई और आज उनके बच्चे भी हैं। आपको बता दें, निक वे हर काम करते हैं जो एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में करता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा वह हर एक काम करते हैं जो एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति भी नहीं कर पाता। दोस्तों, निक अक्सर कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। अक्सर लोग अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर रोते रहते हैं। अब जरा आप खुद सोचिए, क्या आपकी प्रॉब्लम निक से भी बड़ी है? एक बार अपने आप को निक की जगह रख कर देखिए। मैं जब पहली बार निक के बारे में पढ़ा तो मेरे दिमाग में बस यही आया, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, अगर हम करने की चाहत रखते हैं तो। अब दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है, या तो अपनी किस्मत को लेकर रोते रहो या फिर कुछ करने की ठान लो। वो कहते हैं ना, ठान लो तो जीत होगी, मान लो तो हार होगी। तो दोस्तों, एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी थी जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले निक का है। आपने देखा, उनका हाथ और पैर दोनों नहीं था, फिर भी आज इतने हाई लेवल पर फेमस हो गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लाते रहें। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं। देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।